द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये मंदिर भारत के गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। 5 मंजिला इमारत ये मंदिर, 72 स्तंभों वाला ये मंदिर जगत मंदिर या फिर निज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये मंदिर 2200 साल पुराना बताया जाता है और 15वीं और 16वीं शताब्दी में द्वारकाधीश मंदिर का विस्तार किया गया था। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ और रामेश्वर के बाद द्वारकाधीश तीर्थ की यात्रा की जाती है। और आप देख सकते हैं ये मंदिर की भव्य तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आज सुबह और द्वारकाधीश मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि ये मंदिर भारत के गुजरात राज्य के द्वारका शहर में स्थित है और ये जो शहर है द्वारकाधीश जहां मंदिर स्थित है वो गुजरात के जिले जामनगर में पड़ता है। ये मंदिर भारत में हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले 4 धाम तीर्थ का हिस्सा है और 3 तीर्थ जो हमने बताए वो हैं रामेश्वरम, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी, और 4था जो है वो द्वारकाधीश माना जाता है, सबसे पवित्र तीर्थ धामों में से माना जाता है। गुजरात में स्थित ये मंदिर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह यहाँ पूजा अर्चना करी विधि विधान के साथ। और इससे पहले वो बेट द्वारका भी गए सुबह, जहाँ उन्होंने सिग्नेचर पुल का भी उद्घाटन किया और 2.5 किलोमीटर वाला जो ये सिग्नेचर ब्रिज है वो उस देश का सबसे बड़ा केबल पुल है। द्वारकाधीश मंदिर लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 157 फीट है। इस मंदिर के शिखर पर आप एक झंडा लगा हुआ देख सकते हैं। मंदिर के ऊपर जो ये झंडा है, ये जो ध्वज है, वो सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो ये दर्शाता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे तब तक श्री कृष्ण रहेंगे। ये द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने पूजा अर्चना करी और बेहद ही तीर्थ मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर है जो गुजरात के द्वारका में स्थित है, जिले जामनगर में पड़ता है ये मंदिर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना करी। आज प्रधानमंत्री राजकोट भी जाएंगे, जहां एम्स की सौगात देने वाले हैं वो, और अपनी इस यात्रा के दौरान 48,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाला 2.32 किलोमीटर वाला देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। और ये जो तस्वीरें हैं वो द्वारकाधीश मंदिर की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना करी और सभी संतों ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी मिश्र द्वारकाधीश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सबसे पहले सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब वे द्वारकाधीश पहुंचे हैं और इसके बाद उनकी कई योजनाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं।